सीएनजी के बढ़ते दामों से लोग बेहद परेशान हैं। वहीं सीएनजी की बिक्री में भी कमी नजर आ रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से परेशान होकर लोगों ने सीएनजी की तरफ रुख किया था, लेकिन अब सीएनजी के दाम भी पेट्रोल डीजल के बराबर होने जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जहां वाहन चालक पहले से ही परेशान है, वहीं सीएनजी में रोजाना हो रही बढ़ोतरी के चलते सीएनजी से चलने वाले वाहन चालकों को भी परेशानियां पेश आ रही हैं। ऑटो और दूसरे वाहन चालकों ने बताया कि उन्होंने इस सोच के साथ सीएनजी लगवाई थी कि सीएनजी के भाव बेहद कम है और उनको पैसे की बचत होगी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल और सीएनजी सब बराबर होने जा रहा है। सीएनजी के दामों में ऐसा कोई दिन नहीं है जब बढ़ोतरी नहीं होती। ऑटो चालकों की माने तो सीएनजी के दाम बढ़ने से सफर का किराया बढ़ाना उनकी मजबूरी है। भाई राकेश है नाम। राकेश जी, कितनी सीएनजी के दाम पिछले दिनों के मुकाबले बढ़े हैं और लगता है कितनी महंगाई बढ़ रही है? भाई डेली रेट बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से सीएनजी के भी रेट बढ़ रहे हैं। डेली उस टाइम किसी टाइम 52 रुपये सीएनजी थी, आज 78.99 सीएनजी। बताओ कहाँ गरीब आदमी कहाँ से चलेगा। इधर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इधर सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। आदमी कहाँ चलेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा? आदमी तो ऐसे तो गाड़ी में भी घूमना बंद कर देगा। ये लगा लो जी, डेली दिन पे दिन सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। लगता है सीएनजी से सोच के लगवाई थी कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं तो सीएनजी से काम चलेगा, उधर भी मार और अभी इधर भी मार। बहू जी सीएनजी पेट्रोल में है ही फ़र्क कितना, 20-25-30 रुपये का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क थोड़ी है। आप ये लगाओ क्या नाम है, इससे तो पेट्रोल पर चला लेंगे, वो बढ़िया है। सीएनजी के डेली, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है जब ये हाल है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग अगर बाहर की होती तो ये तो 100 से पार जाती। मेरा नाम सुहास चंद है जी। क्या कुछ लोड पड़ गया है, क्या मुसीबत आन खड़ी हुई है? सीएनजी के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, लगता है कि अब घर कमाना खाना मुश्किल ही हो रहा है। सीएनजी दाम इतने बढ़ गए, सरकार ने ग्रेड बढ़ाया नहीं है, इसलिए सबको महंगाई महंगाई दिख रही है। और महंगाई है भी, कोई कोई आलू वाले को बोलता नहीं, इन गाड़ियों खरीदने बेचने वालों को बोलता नहीं, ऑटो वालों को बोलते हैं तुम्हारा किराया ज़्यादा है। ओनली ऑटो वाले के सिवा कोई किसी से बोलता ही नहीं है किसी भी बात में, ना कोई सब्जी पे बोलता है, ना कोई दाल रोटी पे बोलता है, ना कोई बिजनेस मैनों पे बोलता है। इस सरकार ने तो सबका जीना दुखी कर दिया है, हर आदमी दुखी है। यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो सरकार का, कोई भी जो इसकी बड़ाई करे, ना जाने सरकार जीत भी कहाँ से रही। हर आदमी इसकी आलोचना करता है, इसको न्यूज पे भी नहीं आने देता कोई भी, पता ना कहाँ से न्यूज वाले भी पता ना खरीद रखे, कोई कहता ही नहीं है कुछ। सीएनजी का ज़्यादा से ज़्यादा 15 पैसे 10 पैसे बढ़ाती थी पिछली सरकार, 10 पैसे पेट्रोल पे बढ़ते थे, 5 पैसे ये हंगामा करते थे। आज जो एकदम से 10 बढ़ रहे 20 बढ़ रहे 15 बढ़ रहे, आज 80 पे हो गई है। बताओ आम आदमी कैसे दिए? 200 रुपये किलो खाने का तेल हो गया है, आदमी कैसे दिए? आलू प्याज के सिर्फ आलू प्याज भी 20-30 रुपये किलो बिक रही है, बताओ और आदमी किससे जिएगा? दालें 100 रुपये किलो बिक रही हैं, आदमी कैसे दिए? सरकार किसी को भी आज की डेट में किसी को कुछ दे ही नहीं रही है, ग्रेड दे ही नहीं है, लूट मचा रखी है। बिजनेसमैन खाली बिजनेस में पैसे खा रहे हैं, हर आदमी आम आदमी हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। सर मेरा नाम शिवराम है। राम जी ऑटो चलाते हैं, क्या कुछ कहना है? सीएनजी के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और कितने पहुँच चुके हैं अब तक? रोजाना बढ़ रहे हैं सीएनजी के दाम, और सवारी भी पैसे नहीं दे रही है, सवारी भी पैसे नहीं दे रही है, और अगर बढ़ा भी रखे हैं 10-5 रुपये तो 5 रुपये के खुले नहीं देते सवारी, वही 10 के सामने होता है। और सीएनजी के रेट इतने बढ़ गए कि हद से ज़्यादा कि सारे लोग परेशान हैं। पिछले दिनों के मुकाबले कितने रेट बढ़े हैं? पिछले दिनों के मुकाबले अब जो है 78.99 रुपये हो गई है, जो कि पहले 3-4 साल पहले तो 4-5 साल पहले तो 40 रुपये थे। दिसंबर से लेकर अब तक कहीं ना कहीं 18-19 रुपये बढ़े हैं। हाँ, तो ऐसे ही बढ़ते रही तो हम तो परेशान हो। रोजाना कितना जो है आप पर लोड ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो 300-400 रुपये में भराते थे वो 500-550 में भरती है। हाँ, आप तो लोड ये लगा लो, क्या नाम है कि पहले अगर 150 रुपये में भरती भराते थे सीएनजी, तो अब तो 300 से ऊपर पहुँच जाती है, मतलब डबल ही हो गया समझ लो। सीधी मार है। हाँ, इतने भैया पहले तो जो ग्राहक है वो फुल सीएनजी करा लिया करते, और अब तो 200, 100, 150, 300 खींच के। कितने रुपए का इजाफा है भैया? इजाफा कुछ नो भाई, हमें बस 38 से 14 दिन 3, 2, 2.5, अब के एकदम 5 रुपया, अब के मौत लगे फिर बढ़ने वाली, फिर 5 ही बढ़ेगी।
मतलब युवा के आम आदमी कहला दियो कितने दाम बढ़ चुके हैं, कम से कम भी 20 रुपये प्लस, 20 प्लस कम से कम। आम आदमी तो कहते ही कहला दियो भाई, ख़त्म कर रखो सरकार ने, मतलब देख ही ना रही आम आदमी भाई, हर चीज़ ऐसे बढ़ा रहा है, 6-7 दिन में बढ़ाते रहे, टहल जाएगा आदमी ऐसे, बंद कर दो सब गाड़ी घोड़ा, ने कौन चला रहा हो गाड़ी घोड़ा, यो ही सिस्टम उतना चलाएगा कोई भी। ये सरकार तो दुम्बी के उम्बी के कि कुछ देखे आगे भाई, हमारे भाई देखे, गरीब आदमी भाई देखे, जो आगे कोई इलेक्शन में संग दे वहाँ को, नहीं तो कहानी कहता हूँ मैं।